हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तभी जाने हम दोबारा से शादी में ब्रेकफास्ट करने चलिए चलते हैं। चलती हूँ, खाना खा रहे को दुला दुला दिखाते बस इतने ही दिखा पाऊंगी आपको। मैं चली खाना खाने रोटी खाई ब्रेकफास्ट। धाम की तैयारी। ओह, मीठे चावल तो बन भी गए हैं। पनीर कटिंग, चाय, कॉफी, जलेबी, हमारे बूटी, पापा बना रहे हैं पूरी। वहाँ पर मेरे पापा भी हैं, दिनेश गांव के। मेरे पापा ने पहले पूरी बनाने का काम भी किया है। खाना आ रहा है। बाय, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितने सुंदर लग रहे हैं। इसमें क्या क्लैरिटी है, मैं फट की चलता हूँ। आपकी आवाज़ में रिजोर बोला आपने। चलो अच्छा, आपने खाना भी नहीं खाया होगा अभी तो कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? बढ़िया। वैसे तो राफ्टिंग बंद हो चुकी है, लेकिन ये पता नहीं कैसे राफ्टिंग कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे हैं अभी, 3-4 राफ्ट गई, वो भी बिल्कुल फुल। 3-4-5-6-7 लोग, 7 क्लाइंट और एक गाइड। मुझे तो शोर सुनाई दिया, इसलिए मैं देखने चली आई कि कितने लोग राफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सैटरडे है, पार्क में लोग उतने ज़्यादा भी नहीं हैं। अभी धूप है, तो जब धूप चली जाती है तब लोग आते हैं पार्क में। तो आज शादी भी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शादी में क्या करूँ। जाऊँ लेट हो जाऊँगी, क्योंकि इससे मैं लेट जाती हूँ। फिर मैंने कॉल करके पता किया था, बोला विदाई हो गई है, 7 बजने वाले हैं। मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ। पता नहीं मेरे नसीब खाना भी हो गया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। क्योंकि घर वाले सब शादी में ही खाएंगे, मैं कहाँ खाना खाऊँगी। और ये शादी का कार्ड, मेरी फ्रेंड का भी, बस 14 दिन बाद शादी है। देखते हैं नसीब होगी शादी या नहीं फ्रेंड की। तो मैं चलती हूँ घर, शादी में गई तो आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। सब थोड़ा प्रैंक ही हो गया। मेरे पिछड़ा को बस दिख रही है, हम इस बस में आए और मैं टिकरावड़ में यहाँ उतरी हूँ। अभी पापी पेट का सवाल है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो बस ख़राब हो गई सडनली यहीं पर जहाँ पर मुझे उतरना था। तो देखे बस, और इतने सारे लोग हैं इस बस में दूर दूर के। तो चलो अभी डीजे भी बज रहा है। मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था थोड़ी देर में डीजे बंद होने वाला है। तो मेरे पॉइंट तक विदाई हो चुकी है, सब कुछ हो चुका, बस मैं खाना खाने जा रही हूँ। अपने पापी पेट का सवाल है, तो बाकी तो सब कुछ हो चुका है। लोग भी चले गए हैं, बस गांव वाले लोग होंगे यहाँ पे धाम खाने के लिए। गांव के लोग धाम लेट खाते हैं,
चलिए चलते हैं, बस हो गई है खराब। तो ये अच्छा हुआ कि मैं पहुंच गई, अदरवाइज मैं बदा से जाती थी घर, तो वहां तक भी तो मुझे पैदल ही जाना पड़ता। तो आज मैं यहीं से पैदल जाऊंगी। पार्थ मेरा तब से वेट करा, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया कॉल कर करके। अब लोग चल पड़े पैदल धीरे धीरे नजदीक वाले। टिड्डी जी क्यों हो गया बंद? बंद हो रही डीजे वाले भैया, डीजे बंद है। डीजे वाले बाबू डीजे बता दे, आधा आधा खाना खाना है। डीजे वाले भैया को भूख लगी है, खाना खाने। मैं तो यहाँ पर आपको धाम दिखाने आई हूँ, लोग दिखाने आई हूँ और खुद खाने आई हूँ। पेट का सवाल है। नमस्ते, देखिए बहुत सारे भूखे लोग खाना खा रहे हैं। कैमरा थोड़ा साफ किया जाए। सीट है, खाना खा लेते हो। और अब हो गया कैमरा साहब, अब आपको गोरे गोरे चेहरे नजर आ रहे होंगे। बैठूं यहाँ स्पेशल सीट में, अदरवाइज मैं लेकर ही सीट नहीं। बड़े लोग का वैसे बड़ी बड़ी सीटें बंद पड़ा है। तो खा चलो दबे। नहीं बोल नहीं सकता अंडे भी। चलिए यहाँ से आप सबको हम अपने फाटी के लोग दिखाते हैं। ये हमारे फाटी के लोग है। पार्थ कहाँ है? जो मुझे बार बार कॉल कर रहा था। चाची जी मेरे तब से वेट कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पर है। मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा लेट होगी, लेकिन नहीं, मैं लेट नहीं हुई, मैं जल्दी पहुँच। टिकरावाड़ी मंदिर मैं अपनी पत्तल की वीडियो बनाने वाली थी कि मैंने सारा खाना खा लिया, पर पत्तल उठाने वाला मेरी पत्तल पहले उठाकर भाग गया। हाँ जी, पत्तल का फोटो खींच दी थी। तेरी पत्तल वाली मेरी पत्तल है नहीं रांदे मैं चाहती नहीं मैं हूँ। जब से मैंने नाचना शुरू किया और ख़त्म किया तब तक हिंदी सॉन्ग लगे थे। डीजे वाले को बोल बोल के थक गई कि पहाड़ी सॉन्ग लगाओ, पहाड़ी सॉन्ग। तो गांव वाले भी बोर हो गए और वो भी सब चले गए। और पहले दिन भी ऐसा ही हुआ, उनको गाने अच्छे नहीं लग रहे थे तो वो चले गए। और दूसरे दिन भी मेरे साथ ऐसा हुआ, 10 मिनट मिले थे नाचने में, उसमें भी पहाड़ी सॉन्ग नहीं लगे तो हमें जाना पड़ा। अब हम जा रहे हैं घर, शादी होगी खत्म। जैसे ही लोकल सॉन्ग लगा उतने में ही सौथी बुने फिर डेरी।
जैसे ही पहाड़ी गाना बजा वैसे ही इन सबको जल्दी लगेगी चलो तब तक हिंदी सॉन्ग बजाए इतने बकवास गाने हमें अपने पहाड़ी तो पहाड़ी गाने चाहिए डीजे में हिंदी गाने लगाए हुए थे मजा नहीं आ रहा था मुझे पूछे देश गाने जैसे देश गाने बजे वैसे ही सबको जाए जल्दी लगे मुझे जाना पड़ा था अब मिलते हैं आपसे घर जाके फिर हम ब्लॉग की समाप्ति करेंगे बाय अब आज फिर से हम गांव वाले सारे जा रहे थे पैदल पैदल